उपमंडल चढ़ियार के गांव द्रुग के दुर्गा माता मंदिर में 3 दिवसीय मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। मेले का शुभ आरंभ सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र राणा ने किया, जबकि शुक्रवार को मेले के समापन समारोह में स्थानीय पंचायत प्रधान प्रदीप कटोच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मेला कमेटी को 2100 रुपये की सहयोग राशि भेंट की। मेले में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम दुगोह को 5100 रुपये, उप विजेता टीम द्रुग को 3100 रुपये के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं दंगल के विजेता नगरोटा बंगवा के निवासी राजीव को 4100 रुपये एवं उप विजेता स्थानीय युवा द्रुग निवासी संजू को 3100 रुपये तथा स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। मेला कमेटी के प्रधान हंसराज ने मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए स्थानीय पंचायत, मेला कमेटी के सदस्यों एवं विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ मेले में आने वाले लोगों का धन्यवाद किया। इस मौके पर दुर्गा माता मेला कमेटी द्रुग के सदस्य एवं पंचायत प्रधान व इलाके के लोग उपस्थित रहे। पेश है टीम PR न्यूज की रिपोर्ट। मैं हंसराज, मंदिर कमेटी द्रुग। ये जो हमारा मेला होता है द्रुग गांव में, ये हर साल 3 दिन मनाया जाता है। ये मेला दुर्गे माता जो हमारा जो मंदिर है उनके 50 साल से मनाया जाता है। इस मेले में हर साल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, कुश्ती होती है। इस बार हमारे 29 मई 2019 को इसकी ओपनिंग हुई, क्योंकि हमारे रिटायर जिला प्रशासन जिन्हें की उन्होंने 1100 रुपये वॉलीबॉल में हमारी जो जेता टीम दो टीम जेता रही उसे 1500 रुपया ट्रॉफी दी गई। उप विजेता वॉलीबॉल दो टीम रही उसे 3100 रुपये और ट्रॉफी दी गई। कुश्ती में हमारे यहाँ पहलवान पास जाते हैं तो कुश्ती में जो जेता टीम थी उसे 4500 रुपये दिया गया। रिंकू नगरोटा कांगड़ा से और उप विजेता संजय दो से हमारे प्रधान प्रदीप जी गांव के प्रधान हैं। बाकी हमारे सभी गांव के लोग जो हैं वो हर साल इस मेले को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।